दुनिया में क्यों नाम है, पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम है, क्या मैं नाम है, क्या नाम नहीं है, क्या नाम है, कोरोना में देश में जावा यहाँ कोई भी होगा, यहाँ कोई भी होगा, हम उसकी इज्जत नहीं करेंगे। चुप हो जाए, हमारे इंडियन जा रहे हैं दूसरे देशों में, कपड़े उतरवा के तलाशी लिए दूसरे देशों में। मोदी जी ने आज तक भी एक भी कॉन्फ्रेंस नहीं की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मीडिया को भी, तो इसके ऊपर क्या कहोगे? काफी जो है एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने दूसरी मीडिया तो हो, मैं समझ में आएगी बात, कांग्रेस की मीडिया तो है, हमने समझ ली बात है। अरे देखो, अरे समझ ली बात है, सुनो तो मेरी बात, मैं किसी की समझ ली बात है, मैं किसी की मीडिया से नहीं हूं, देख लिया, विश्वास दिलाता हूं, आप तो सारे दर्शक देख रहे हैं, सारे बीजेपी, आप मेरी डिटेल चेक कर लियो, आप मेरी वीडियो चेक कर लियो, अरे फिर सारे बीजेपी के हैं। अच्छा अच्छा, हाँ मतलब बीजेपी से ही वोट देना है, मतलब अच्छा एक बात बताओ, मैं एक सवाल कर सकता हूँ आपके गांव से, एक कांग्रेस नेता थे, 15 साल तक कांग्रेस में काम किया, उसके बाद फिर जो है बीजेपी में शामिल हो गए, ऐसा क्या कुछ को बीजेपी में तो रिश्वत ले गए, मान सम्मान उस पार्टी में नहीं मिले होगा, उन्हें वहाँ जो चाहिए वो नहीं मिले होगा वहाँ। अच्छा खट्टर साहब, मतलब सही काम किया 9.5 साल तक, उसको इस्तीफा देना पड़ा, कहीं ना कहीं नाराज, इस्तीफा क्यों दिया होना, वो चुनाव लड़ान खातर हटाया, बाप दादा वाली पार्टी थोड़ी ना है, अब वही बना रहेगा, कोई भी बन सकता है, आम आदमी की पार्टी है तो कोई भी बन सकता है इसमें, आम आदमी की पार्टी, ये बाप दादाओं की बुजुर्गों की पार्टी थोड़ी ना है, इसमें माई बनेगा, विधायक बने हुए को सीएम बना सकता है, कांग्रेसी होगा के काम है, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी चलती आई है, और सदा ये सोचा है कि भाई अपना रख है, अपना ही बढ़ाओ, अपना वजूद क्या काम है आप ये तो बताओ, बीजेपी के जनाधार को ले लो, किसी भी चीज को ले लो, पीएम 2-3 बार सीएम बना और 2 बार पीएम बन लिया, क्यों बना, 2 बार क्यों बना, वो क्यों बना, उसने त्याग उसने घरवाली का त्याग कर, ये कौन सा सनातन धर्म में है, घरवाली का त्याग कर रखा उसने, ये कौन सा सनातन धर्म में, क्यों बनना पड़ जाए, क्यों बनना पड़ जाए, मुसलमान है, 3 तलाक 3 नंबर कहना की सातर छोड़ दे, मोदी जी ने 370 वो उनका मजहब है, आप इस्लाम धर्म से हो, आप इस्लाम धर्म से हो, क्यों कहो आप, क्यों कहो उनका नाम, मेरा पूरा गांव है ना बीजेपी का, बीजेपी के वाले पूरा गांव, उस बात ने पूरा पट्टी कल्याणा हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे, इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी करवाई, लोगों की जबरदस्ती नसबंदी भी कराई, क्या करता है, ये तो क्रांति है, ये तो क्रांति है, एक नंबर में क्रांति हुआ, ये एक नंबर में क्रांति हुआ, इस क्रांति में तो पूरे देश ने एक हफ्ता पहले आंधी आई, ये प्राकृतिक आपदा, इतना नुकसान है आज तक नहीं, ओ फपट्टी, ओ दिस इज अ डेड बॉडी, आज भी सोनिया गांधी बाज रही सीट से, राहुल गांधी बाज रहे, प्रियंका गांधी ने लड़ देना हट दिया, ऐसे हो तो आओ ना मैदान में इलेक्शन लड़ो, फिर देखो किस्मत कितना दम कम है, प्रियंका का उसका नहीं मतलब, हमारा लोकतंत्र का मतलब है, लोकतंत्र कह रहे हैं, हां देश का लोकतंत्र, लोकतंत्र को बचाने का काम है, और भगवान जिंदगी दो, कांग्रेस सरकार ने बनाया उनको खत्म करने का काम, धारा 370 एक हटाने का काम, राम मंदिर बनवाने का काम, सब बीजेपी ने कराया, आप प्लाट ले लो, हर मंदिर में जाए घंटा बजाओ, जाओ जाओ मंदिर में जाए घंटा बजाओ, और प्लाट ले लो, 6,000 में एक भी करे जिसमें मोटरसाइकिल ना हो, छत्तीस बिरादरी में कौन गरीब के जाए, गरीब नहीं है, ऐसा कोई परिवार हमारे गांव में नहीं है जिस पर जमीन ना हो, जमींदार ना हो, बिल्कुल। दूसरी बात, राहुल गांधी पद यात्रा करके वहां संपन्न करी श्रीनगर में, बिना बीजेपी के कानून खत्म करे जाएगा, खड़े तो जनता उधर का गया हुआ, आज लग अच्छा तो इसने के मानना, पीएम ने के मानना, तो पीएम जितने भी आउट ऑफ कंट्री गए, जब भी गए, बीबीसी लंदन में देख लियो, इंग्लिश के अखबार उठाकर देख लो, हाँ ओरिजिनल मीडिया तो है ना दिखावा है, उन्हीं पर ईडी लाकर और उन्हें भीतर भेज दे, पिज्जा के डरा था, मोदी की बात देखा है,
क्या मैं बस देखा पिछले का नहीं खेड़ा रहा पिछले का नहीं खेड़ा करा कती कोई आत्मलावा ना इंग्लिश में जानता तो थी फाल आदमी नहीं है वो कर रहे हैं बता मैं भारत को वर्ल्ड पावर बनाने जान लग रहा है ये उसने देश का नाश कर दिया बेड़ा गर्क कर दिया इतना पीछा चला गया इतना पीछा चला गया देश जिंदे रहो तुम जिंदे रहो थमना ना राजा नल के इतिहास में ना कल युग में राजा ना लोगों ने गुटड़ो चला दिया रघुवीर रघुवीर जी मतलब सारे भी मतलब कि सारे एक तरफ आप एक तरफ ऐसा क्या होगा आपको अच्छा मैं आपसे करड़े सवाल कर लूं मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया हिंदुओं के लिए धारा 370 हटा दी 3 तलाक का मुद्दा था देश में इतने बढ़िया रोड हो गए हैं देश विकास कर रहा है सब एनआरसी लागू करा दिया डिजिटल इंडिया बना दिया और क्या चाहिए मोदी जी से नहीं कौन सा एक एक एक, एक, एक पूछ का एक का ले जवाब कौन से एक का दूं राम मंदिर के दे दो जवाब राम मंदिर सुनो हमारा मंदिर यूरा गांव में मंदिर रहा आज राम मंदिर बना अयोध्या के अंदर है ना हर चौथे घर में मंदिर है ये राजनीति है वोट से करना लेकिन विकास तो होता ना मंदिर से अरे यू मोदी मंदिर है मोदी का विकास मोदी मंदिर है यू मोदी जी का मंदिर नहीं है मोदी मंदिर जहां पर मंदिर होगा वहां पर उसका इकोनॉमी का विकास होगा सब जानी जब भी हमारे देश में कोई 800 साल राज कर गया कोई 200 साल राज कर गया अंग्रेज जो उनसे आंदे रहे वही बना दे अच्छा मोदी राम जी टेंट में दे उसलिए अच्छा था उस टाइम पे नहीं नहीं अच्छा नहीं था लेकिन जो पिड़ा पिड़ा रहने दे भाई क्यों भड़काएगा राजनीति करा है राजनीति भड़काया क्यों कर रहे अच्छा वैसे बना मुसलमान पे बना दे भाई उसमें और भी तो हमारा ही बड़ा आ जैसे चलो भाई ये भाग ले लो उसमें मोदी मंदिर क्यों बना रहा अच्छा जी एक बात बताओ लगभग जो 55 साल 65 साल राज किया कांग्रेस ने बीजेपी लेने की क्यों जरूरत पड़ी थी दोबारा से अरे बीजेपी बीजेपी तो गलती था जी फर्स्ट में मोदी ने लिया है हकीकत में फर्स्ट में फिर ये भाई जुमले पकड़ गए अगर तुम मशीनों द्वारा बन सको प्रशासन द्वारा बन सको अच्छा फिर भी वही काम लेकिन ईवीएम लेने भी वाले भी कांग्रेस ही है कांग्रेस ले फैसिलिटी के लिए ले आई फैसिलिटी आज एक नंबर में करवा ले ईवीएम का जवाब मैं दूंगा सरदार पटेल पे 14 वोट थी देश जब आजाद होया पहली बार प्रधानमंत्री बनने लगे थे नेहरू की केले की अपनी वोट थी फिर भी गांधी की स्थिति हुई नेहरू प्रधानमंत्री बनाया सरदार पटेल में क्या कमी थी सही बात है लो पुरुष कह पहले दिन तो भ्रष्ट है पहले दिन तो खोते आड़ लग रही भी मैं की कर ली सुनो सारे जने खड़े पहले दिन आप हेडमास्टर रिटायर्ड हो सरदार पटेल मरिया कब है कब मरिया सरदार पटेल बताओ सरदार पटेल कब मरिया कौन रहा क्या गृह मंत्री जब राजनीति शुरू हुई ना इतिहास उठा ले इतिहास उठा ले इशारा से एक साल पालम मना एक साल बोला एक साल पालम पटेल मरिया का जीवी लक्षण हुए थे जीवी लक्षण हुए थे गूगल पर सर्च नहीं कर लो गूगल पर सर्च कर लो एक साल पालम मना पटेल मर चुका था जीवी लक्षण हुए थे मेरी बात और जीवना रूप बना था जीवी लक्षण बना था जवाहरलाल ऐसा है कितना ही जोर लगा ले बनेगा तो मोदी जोर नहीं होना चाहिए बनेगा तो मोदी ओनेस्टी का बस मर जोगे ठीक है अगले 5 साल फिर जोर लगा मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे बिल्कुल बनेंगे लेकिन तो अगले साल बच ना नहीं तो जोर लगाएगा बिना बात के देखो भाई मोदी जी कह रहे हैं दोबारा से प्रधानमंत्री अच्छा मोदी जी की तो उम्र होगी 75 साल के हो गए तो अगली बार फिर प्रधानमंत्री कहाँ पे बन जाएगी नहीं वो ही बनेगा वही बनेगा उसकी तो उम्र हो लेगी और भी दो बार और बनेगा हमारा जन्म ही 14 में होया हमारा जन्म ही 14 में होया हम तो पहले मोह से ही थे इतनी महंगाई इतनी बेरोजगारी होगी सुनो 65 साल में ना 65 साल में 40 का डीजल पेट्रोल था 100 पर है ना गैस का कितने का था 65 साल में जब 400 रुपये तक पहुंचा था ये 1000 रुपये का जा रहा भले का हम टैक्स दे हुआ भले का हम टैक्स दे हुआ हमारे में शांति 2012 में भी सिलेंडर 1000 रुपये का होया 2012 में सिलेंडर का सार होया बीजेपी अंदोक सार 14 में 12 में बीजेपी
देखो भाई ये है पट्टी कल्याणा गांव, जो इसका भी ऑडियंस निकाल लेगी ऐसा क्या कुछ मामला है मैं दोबारा फिर देखते हैं मिलेंगे कौन से की। अच्छा आपका क्या नाम है जी? रघुवीर। रघुवीर जी है, बाकी एक तरफ ये सारे, क्या नाम है आपका भाई? ऐसा है मेरा, ये तो है दिमाग से पैदल। चलो तो पूरा गांव है ना, पूरा गांव मोदी को चाहता है, मोदी की वोट देगा और कमल के फूल पर वोट लगाएगा। ठपका मार दिया पूरा गाँव, पूरा गाँव, पूरा ठप्पा। ये देखो भाई दिमाग से बिल्कुल, हमने यहाँ पे सर्वे किया और बहुत शानदार सर्वे होया है, और आप क्या कुछ कहना चाहोगे इनको लेकर के? मतलब एक तरफ तो सारे ये खट्टर साहब के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी ने देश मोदी जी ने देश का नाम ऊंचा कर दिया, और कांग्रेस ने जो है आपने सभी ने डिस्कशन देखी होगी और लगभग पूरा हरियाणा इस चीज़ को देखेगा। आप भी कमेंट करके जरूर बताना, और इस चीज़ का बताना भी, ये पट्टी कल्याणा गांव है, बड़ा ऐतिहासिक गांव है। मेरे गांव में 250 नौकरी दी है फ्री बगैर सिफारिश। हाँ, सभी बच्चों ने अपनी मेहनत से अपना टेस्ट फाड़ कर 250 नौकरी प्राप्त करी है। मेरे गांव में कभी भी ऐसी ऐसी नौकरी नहीं मिली किसी भी राज में। मैं 65 साल का आदमी हूँ, 65 साल में मैंने किसी इंटरव्यू लिए कितनी बार ट्राई करी नौकरी की, लेकिन बगैर सिफारिश की वजह से मैं नौकरी नहीं मिली। अच्छा, मैं बूढ़ा हो गया। अच्छा जी। हाँ, और इस गांव में, जितनी नौकरी अब की बार लगी है कांग्रेस बीजेपी के टाइम में, खट्टर साहब के टाइम में, कभी भी नहीं मिली इस गांव में। क्या बात है, बड़ी शानदार बात है भाई, बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने की ये चीज़ है। हाँ, चलो मंडल है। अभी हम लगातार यहाँ से जो है कवरेज देते रहेंगे, और काफ़ी चर्चाएँ हुई हैं, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, इनसे दोबारा फिर बातचीत होगी आपके कमेंट के अनुसार। तब तक के लिए बटर बंद कर शटर।